पाकिस्तान जैसे देशों का नेशनल बर्ड भी बनाया गया है। नंबर 5, बाल्ड ईगल। इस प्रजाति के ईगल की एक सबसे बड़ी खासियत इनकी दूर तक देखने की ताकत है। दरअसल इनका विजन इतना स्ट्रांग है कि ये किसी इंसान के बजाय 4 से 5 गुना ज्यादा देख सकता है। ये अपने सिर को 340 डिग्री तक घुमाकर लगभग शरीर के पीछे तक देख सकता है। किसी बाल्ड ईगल का शरीर 28 से 38 इंच लंबा होता है और ये अपने पंखों को 7 फीट से भी अधिक फैला सकता है। इस कारण से इसका नाम सबसे बड़े ईगल में शामिल है। इसकी इन्हीं खूबियों के चलते इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नेशनल बर्ड बनाया गया है। दूसरे ईगल की तरह ही बाल्ड ईगल के पंजे मजबूत और चोंच पैनी होती है। ये अक्सर ही दूसरे पक्षियों को मारे गए शिकार को चुराकर अपना पेट भरता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये शिकार नहीं करता। इसके शिकार का तरीका काफी रोमांचक है। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ एक बाल्ड ईगल ने शिकार के लिए उड़ान भरी है और पानी में मौजूद एक मछली को देख लिया है जो अभी सतह पर आई है। वो अगले पल शिकार को अपने पंजों से दबोचता है और अपने साथ ले जाता है। नंबर 4, हैन हैरियर। जब खूंखार शिकारी पक्षियों की बात हो ही रही है तो चलिए आपको हैन हैरियर से रूबरू करवा देते हैं। हालांकि ये साइज में ईगल के मुकाबले थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन शिकार करने में किसी से पीछे नहीं है। इनके शिकार आमतौर पर मैमल्स और छोटे बर्ड्स होते हैं, मगर इसके अलावा ये कई बार मेंढक और कीड़ों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। जब हैन हैरियर को अपना शिकार करना होता है तो ये खास टेक्निक अपनाते हैं। दरअसल इनके सुनने की शक्ति बहुत अच्छी होती है और जब ये अपने शिकार को ढूंढते हैं तो पहले आसमान में चक्कर लगाते हैं, फिर जैसे ही इन्हें अपना शिकार दिखता है तो आहिस्ता से जमीन के नजदीक आते हैं और एक सही मौका देखते ही शिकार पर टूट पड़ते हैं। हैन हैरियर की एक और खासियत है हवा में इनकी फूट पासिंग। दरअसल पुरुष हैन हैरियर शिकार को पकड़ने के बाद हवा में उड़ता है और घोंसले के पास पहुंचने के बाद मादा हैन हैरियर को पुकारता है। जब मादा हैन हैरियर हवा में उड़ते हुए पुरुष हैन हैरियर से मिलती है तो पुरुष हैरियर हवा में समरसॉल्ट मारते हुए हवा में अपने पंजे में पकड़े हुए शिकार को छोड़ देता है, जिसे मादा हैन हैरियर पकड़ लेती है। पता नहीं ये क्या खेल है, मगर है बहुत इंटरेस्टिंग। नंबर 3, ऑस्ट्रेलियन मैगपाई। अक्सर ही हम ये सोचते हैं कि छोटी दिखने वाली चिड़िया हमारे लिए बड़ा खतरा नहीं बन सकती, लेकिन बात जब ऑस्ट्रेलियन मैगपाई की हो तो ये बात गलत साबित हो सकती है, क्योंकि ये चाहे दिखने में कितनी छोटी और सुंदर क्यों ना हो मगर असलियत में बेहद ही खूंखार है। ये इतनी घातक होती है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पर लोग इसके नाम से भी खौफ खाते हैं। ऑस्ट्रेलियन मैगपाई एक ऐसी चिड़िया है जो इंसानों पर हमला करने में माहिर है और अक्सर अपने सामने से गुजरने वाले लोगों पर थावा बोल देती है। जब जुलाई से सितंबर के दौरान इस चिड़िया का ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये और भी खूंखार हो जाती है और इनके घोंसलों के पास से गुजरने वाले लोगों पर भी चोंच और पंजों से हमला कर देती है। इनके ये हमले इतने खतरनाक होते हैं कि लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हजारों लोग हर साल इसके हमले का शिकार बन जाते हैं। यहाँ तक कि जहाँ ये रहती है उस जगह लोग हेलमेट पहनकर ही बाहर निकलते हैं। नंबर 2, ग्लैमर गायर हॉक। ग्लैमर गायर हॉक एक ऐसा अनोखा शिकारी है जो अपने शिकार की हड्डियां खाने में अधिक दिलचस्पी रखता है। इसीलिए अक्सर ही ऐसे शिकार की तलाश में रहता है जो पहले से ही मर चुका हो। जी हाँ, जहाँ दूसरे हॉक शिकार को मारकर उन्हें खाते हैं तो वहीं ये अपने लिए हड्डियां ढूंढता है और इसी कारण इसे बोन ब्रेकर भी कहा जाता है। इसके अपने शिकार को लेकर भी एक अनोखी स्ट्रेटजी बनी हुई है। दरअसल ये अपने शिकार की छोटी हड्डियों को तो सीधे निकल जाता है मगर बड़ी हड्डियां नहीं निकल पाता, इसीलिए उन्हें आसमान में ले जाता है और वहां से पत्थरों पर फेंक कर तोड़ता है और फिर खाता है। इन हड्डियों के अलावा इन खूंखार दरिंदों को कछुए भी बेहद पसंद होते हैं और ये उन्हें भी इसी तरह से मार कर खाते हैं। हालांकि खतरनाक होने के साथ ही काफी रेयर भी हैं। इन विशाल पक्षियों की लंबाई 37 से 49 इंच तक होती है और ये अपने पंखों को 7.6 से 9.3 फीट तक फैला सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि पंखों को इतना फैलाने पर ये कितना भयंकर दिखता होगा। नंबर 1, सिनेरियस वल्चर। स्पेन, चाइना और मंगोलिया में पाया जाने वाला सिनेरियस वल्चर दूसरे शिकारी पक्षियों के मुकाबले में काफी बड़ा और भारी शिकारी साबित होता है। इसकी लंबाई 4 फीट और वजन 13 किलो तक रहता है, जबकि अपने पंखों को 10 फीट तक फैला सकता है। ये बड़े पंखों की बदौलत सिनेरियस वल्चर बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एक सिनेरियस वल्चर को माउंट एवरेस्ट की चोटी से कुछ 1000 फीट की दूरी पर ही देखा गया था। वैसे तो सिनेरियस वल्चर का शरीर भूरे रंग का होता है, लेकिन जब यह आसमान में होता है तो जमीन पर बैठे व्यक्ति को काला दिखाई देता है। इस कारण इसे ब्लैक वल्चर भी कहते हैं। और तो और, इनके गले के आसपास के बाल दिखने में बिल्कुल एक सन्यासी के कौल की तरह दिखता है और इसीलिए इन्हें मंक वल्चर भी बुलाया जाता है।
ये हिरण, लोमड़ी और जानवरों का शिकार तो करते हैं, मगर इन्हें झुंड में अक्सर ही शवों को खाते देखा जाता है। हालांकि कई बार शवों से दूसरे खूंखार जानवरों के लिए डाले गए जहर से इनकी मौत हो जाती है, जबकि इनका खेल के लिए भी शिकार होता है और इसी कारण इनकी संख्या काफी कम रह गई है। दुनिया में कितने अजीब और खतरनाक पक्षी मौजूद हैं जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आपने खुद देखा कैसे शिकारी अपने शिकार को दबोचने के लिए कई स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले